मेरी हाइट के करीब एक लट है ये, देखना इसके ऊपर सारे लकड़ रखे जाते हैं। भारत माता की जय। रविंद्र भाई बनाए हैं दाल बाटी और चूरमो। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री। आज आया हूं मैं एनकोक करके कोई जगह है गैबोन में, लिब्रीवल जो कैपिटल सिटी है उससे 20 किलोमीटर दूर, और कल रात को हम यहां पे पहुंच गए थे, आप लोगों को बताया। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम एक स्पेशल बनाने जा रहे हैं, यहां पे इंडियन कितने काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। एक प्लांटेशन कैंप करने वाले हैं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं यहाँ पे इंडियन एक अच्छे बिजनेस के साथ में सेट है, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और वीडियो आखिरी तक देखना, मजा आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बता दूं कि जितने भी अफ्रीका में फार्मा इंडस्ट्री है, हमारे देश का कब्जा सही है। आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहिएगा और अच्छे प्रोडक्ट लेके आइए। स्पेशली मैं तो फील्ड का हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि अच्छे प्रोडक्ट लेके आइएगा, किसी के साथ में कोई ऐसा ना हो कि किसी की लाइफ थ्रेटनिंग चीजें ना हो। एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कैंपस में लगा रखे हैं? कैंपस में लगे हैं। क्या यार भाई, ये विकास है, ये यूट्यूब पे इनका एक चैनल भी है, वो आपको गाबोन दिखाते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये इतने लोग जो हैं यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अभी हम सब फैक्ट्री के लोगों के साथ में एक बार राउंड लगा रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर जो है वो बहुत अच्छा सा इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है, और प्लांट अंदर है। फार्मा का प्लांट नॉर्मली दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक उसमें सेफ्टी मेजर्स होते हैं। कितना स्टाफ है सर आपके पास टोटल? 100 इंडियंस हैं और लोकल? नहीं, इंडियंस तो 40 है। फिर फार्मा का जो रॉ प्रोडक्ट है वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? इंडिया, सारा इंडिया से। 100% इंडिया से। कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो? 45 प्रोडक्ट्स हैं। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स सब है, एंटीवायरेटिक्स, एंटी मलेरियल भी है। नॉर्मली एंटी मलेरियल क्या चलता है? अल्फा बीटा टेबलेट बना रहे हो? इंजेक्शन भी? टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट और सिरप। ये हर्ब है जी, इबोगा। इसको इबोगा बोलते हैं। इबोगा वो अफ्रीका में लोग खाते हैं, इसकी जड़ खाते हैं नशे के लिए। अच्छा अच्छा, इसकी जड़ जड़ नशा करते हैं। जड़ वो भी 10-15 साल बाद। ओके, पेड़ बड़ा हो जाए तब। पेड़ बड़ा हो जाए। अरे यार अच्छा, पेड़ का शौक है जी। सब ये सतावरी है, ये सतावरी है। हां, देखो साहब, काजू को है वो काजू लाग रहे हैं। देखो आलू बुखारा, आलू बुखारा अभी लगे को नहीं, पर ये अनार है। अनार है जी। दतूरा, ओ काला दतूरा, ओ साहब अंजीर को है। हां देखो साहब, काल परसों तक तैयार हो जाएगी अंजीर। एक चीज देखी आपने, छोटा सा पेड़ है, उसके साथ ही फ्रूट लगने लग गए, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है ना वो पड़ी एक तरह से। क्या बात है, लोटस लोटस लोटस, खूबसूरत सा एक कॉर्नर में वो बना रखा है, पूरा इंडस्ट्री इधर है। शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विकास जी। मैं और भाई आ गए हैं दोनों एक बार। इनके ट्रांसपोर्ट का काम है, आपके ट्रांसपोर्ट का काम? कितनी गाड़ियाँ हैं ऐसी? अभी अपने पास 25 गाड़ियाँ हैं। जो ये लकड़ लेके आते हैं, तो यार ये इतना सारा सपोर्ट उठा लेता है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने टन माल होता है? 60 टन माल आता है एक ट्रक में। कितने पेड़ होते हैं नॉर्मली? मतलब 11 पेड़ तक आ सकते हैं। 60 टन माल लेके आता है ये ट्रक, वैसे मर्सिडीज का लगता है? हाँ, मर्सिडीज के सारे अपने पास 25 ट्रक, सारे मर्सिडीज। इसके ऊपर सारे लकड़ रखे जाते हैं, यहाँ से उसको पैक करते हैं, और ये यहाँ तक लकड़ आ जाते हैं, फिर ये घूमता होता है। वो जो पार्ट है, ये तो ट्रक का पार्ट है, वो पीछे रिमोट होता है, रिमोट बोल देते हैं। ये लकड़ की सेफ्टी के लिए, ड्राइवर की सेफ्टी के लिए, अपनी केबिन डैमेज नहीं होगी, क्योंकि केबिन से इतना डिफरेंस है। अच्छा, पलटी मारेगा ये पाइप का सपोर्ट आ जाएगा, केबिन डैमेज नहीं होगा। केबिन डैमेज नहीं होगा, और वैसे भी लकड़ ऊपर नहीं आएगा। लकड़ ऊपर नहीं है। अब एक प्लांटेशन करेंगे यहाँ पे, 15-20 पेड़ जो है इस प्रांगण में लगवाएंगे। और थैंक यू आपका स्पेशली प्लांटेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोलूँगा। ये चलाते आते वक्त ज़्यादा तेज है, जाते वक्त कम चलाते हैं? भरी में तो 90 चलता है, 90। जाते वक्त कम चलते हैं, जाते वक्त तो खाली रहता है, तो ये हिसाब से चलता है। ये सारी गाड़ियाँ आप यहीं पे सर्विस वर्विस खुद ही करवा लें? वर्कशॉप खरीदा है अपने। और ये भाई साहब और आगे सारे सीकर से, काफ़ी राजस्थान के लोग हैं यहाँ पे। कैसे भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया। अच्छा, ये लो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इनकी थोड़ी सेवा भी कर लेना मेरे जाने के बाद में। के लिए लगाया जा रहा है नए काम का शुभ मुहूर्त जो है वो पेड़ लगा के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
और आप लोगों से भी उम्मीद करते हो कि फ्यूचर में आप भी अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में एक आधा पेड़ जरूर लगा देना यार। ए लो इसके अंदर वो पूरी प्लाई तैयार कर रखी है आपने। हाँ, ये पैकिंग कर रखी है। कंटेनर भरेगा और चलेगा। हाँ, यूके मतलब यूरोप में जाएगी कहीं भी। हाँ, यूरोप में, यूरोप यूएसए। हाँ, ये सब कंटेनर हाँ, भर के ना एक्सपोर्ट हो जाएंगे। हाँ, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये प्लाई तैयार हुई है। हाँ, प्लाई तैयार हुआ है। बार खाने प्रोसेस स्टार्टिंग का प्रोसेस ये तैयार हुई है। माल कौन सी अप्लाई है? ये मुखी है, मतलब थिकनेस वाइज अलग अलग है यार। ये लकड़ी है देखना, ये इसका डायमीटर होगा मेरी हाइट के करीब एक लट है। ये देखो 5 फीट का डायमीटर। ये तो छोटा है, इससे भी बड़े बड़े मिल जाएंगे साइज के हिसाब से। 8 फीट 10 फीट 5 फीट। अभी ये चार्जर से यहाँ रख दिए। अब इससे काट के जो अपनी छोटी वाली फोर क्लिप है उससे साइड में लगा देंगे, फिर अंदर फिर वहाँ से अंदर जाएंगे। ये अपना बॉयलर है। अच्छा, ये बॉयलर का काम क्या होता है? जो कोर होता है, जो वो मतलब ग्रीन होता है, तो उसको ड्राई करने के लिए। अच्छा, लकड़ी को ड्राई करके। हाँ, लकड़ी को ड्राई करने के लिए। मेरे ख्याल में 20-25 फैक्ट्री होंगी अपनी इसी इंडियन की। हाँ, लगभग 20-25 फैक्ट्री इंडियन है और 10-15 चाइनीज फैक्ट्री है। साफ कर लेते हैं, इसको छोल के ऐसा रोल बना देते हैं। ये जैसे गिल्ला है ये, ठीक है। वो जो अपन ने वो जो बॉयलर का बात किया था वो आगे ड्रायर है, तो ड्रायर के अंदर ये इसको मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसका रोल बनाते जाएंगे को वहाँ से ला के यहाँ पे साइज के हिसाब से काट लेंगे वो रोल। सारी लकड़ी को ड्राई करेंगे। ये कोर कंपोजर, जो छोटा छोटा जो कोर होता है उसको जॉइंट कर देता है धागा, वो ग्लू होता है। अच्छा। जो नीचे से धागे से चिपक के और वो कोर जॉइंट हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो 8-4 और 10-5 का वो कोर बन जाता है। ये कोल्ड प्रेस, ये कोल्ड प्रेस आ गया, इसमें इसको चिपका देंगे। पहले कोल्ड प्रेस होता है फिर हॉट प्रेस होता है, क्या एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये हॉट प्रेस है। हाँ, ये हॉट प्रेस है। गर्मी है भाई यहाँ पे। तैयार हो गया माला है। हाँ, अब इसकी फिनिशिंग कर देंगे आगे। हाँ, फिनिशिंग पैकिंग है। यहाँ कटिंग होने के बाद में कैलिवेटर में जाता है। कैलिवेटर जो उसका थिकनेस का होता है तो उसका वेरिएशन है वो ख़त्म कर देता है। ये ऑटोमेटिक होगा सब? हाँ, ये पूरा ऑटोमेटिक है। किसी का फेस या कोई प्रॉब्लम होता है उसको साइड में कर देते हैं, उसके बाद उसका पायलट बनाते हैं। पायलट बना के बनाने के बाद में लोडिंग करते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये हुई ना बात, तो मैं डॉक्टर राज साइकिल बाबा एक साइकिल लेके अपने भारत देश से कुछ साल पहले निकला था, तो कुछ देश कवर करते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। उस देश की संख्या है 74 और 80,000 किलोमीटर के करीब। एक संदेश मैं अपने देश से लाया हूँ कि पर्यावरण बचाइएगा, धरती बचाइएगा। वैसे तो यहाँ पे बोलने का कोई मतलब सा नहीं बनता, सब प्लाईवुड वाले बैठे हैं, मेरे को पिटेंगे और बात आ रही। खैर, तो ये थोड़ी सी मेरी जर्नी जो मैंने अभी तक ट्रैवल की है, 80,000 किलोमीटर चलते हुए आप लोगों के साथ में आए। सतगुरु वाले ना टाइम पे चौका मारने में कभी नहीं चलते। बांटते रहिए और जो ही गुनगुनाते रहिए। हैप्पी दिवाली बन सके। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे आज यहाँ पे 5 गाड़ियाँ नहीं लेके आए हैं भाई साहब और की कंपनी की, तो पूजा करके इन गाड़ियों को स्टार्ट करूँ। बोल सच्चे दरबार की। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और शेखावत जी, रविंदर जी, बधाई हो आपने, बहुत ऊंचे तक जाओ, अपना काम यूं ही दिन रात बढ़ाते रहो। स्पेशली थैंक्स, कहाँ है हमारे बहादुर जी,
बहादुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ कि तुम गाबोन टिम्बर से ग्लोबल टिम्बर बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये सारा स्टाफ है भाई गाबोन टिम्बर का, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी हम जो है रविंद्र भाई के पास में खड़े हैं। सबसे पहले तो भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपने, ये 5 नई गाड़ी आई, कितनी गाड़ी होगी अपने बेड़े में? 25 गाड़ियां होगी, 25 गाड़ियां में होगी, सारी मर्सिडीज की। यही है, कौन सा मॉडल आयो? मर्सिडीज का 3342 है, 3342 60 टन की कैपेसिटी है। और कितने का पड़ जाए अपने, मतलब इंडियन भाई पूछेंगे, मैं नहीं पूछ रहा। अपने यहाँ के 120 मिलियन का, इंडिया का 1.5 करोड़ हो जाता है। इंडिया का 1.5 करोड़ रुपए के करीब, एक ट्रक 1.5 करोड़ रुपए का पड़ता है। अच्छा, और 1 लीटर में 2 किलोमीटर चला है? नहीं नहीं, 1.5 डेढ़ किलोमीटर चलता है, 1 लीटर में 1.5 किलोमीटर। तो टंकी कितने लीटर की है? 400 लीटर की है, 300 लीटर की रिजर्व टंकी एक्स्ट्रा हो रही है। अच्छा, एक्स्ट्रा रखती है, 700 फिर मतलब एक चक्कर मारा है 700। हाँ, 700। वो अलग अलग फॉरेस्ट की अलग अलग दूरी होती है ना। अच्छा, जैसे यहाँ से फुगा। मैंने एक बात और सुनी है, यहाँ पे जैसे नॉर्मली जो तेल लेते हैं लोग वो तेल, और आपको जैसे इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, इंडस्ट्रियल गेज ऑयल वो तेल महंगा, कितना फर्क है? नॉर्मली यहाँ पे 585, 80 रुपए के आसपास, 70 के आसपास। हम इंडस्ट्रियल है, हम खरीदते हैं 1145 में, मतलब आप डबल, 150 रुपए लीटर है डीजल है। अपना सोत्राप ग्रुप है, दिल्ली के ही है मिस्टर नवनीत कुमार, उनका ये ग्रुप है, मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर संभाल रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो भाई। ये तो थे हमारे रविंदर जी और शेखावत जी, और इधर गाबोन टिम्बर के अंदर ही खड़े थे अभी, वहीं पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और बताइए। नहीं नहीं, मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये जो एडवेंचर जर्नी है और ये एडवेंचर, ये सबका पास ये डिवाइन पावर रहता है और ये सबको ही नहीं कर सकता है। मैं भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं कि आप भी प्लीज चेकआउट कीजिए, साइकिल बाबा का चैनल है, ठीक है, आप भी चेकआउट करिए। आपको अगर पसंद आए तो भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इनका भी चैनल ग्रोथ होना चाहिए। जो कर रहे हैं भाई, ये आम इंसान का बात नहीं है, ठीक है, प्लीज आप थोड़ा चेकआउट कीजिए चैनल। तो भाई थोड़ा सा जरूर करिएगा भाई, भाई की रिक्वेस्ट पे जरा। रविंद्र भाई बनाए हैं दाल बाटी और चूरमो, चूरमो भी बड़ो स्वाद से बढ़ रहे हैं, और बाटी दाल को तो कहना ही किया, और बहुत दिनों के बाद में दाल बाटी खाने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। धन्यवाद। तो भाई हमने दाल बाटी चूरमा खा लिया, और सब लोग ना सड़क पे घूमने आए हैं, और हम घूम रहे हैं तो हमारे पीछे पीछे ना एक इनकी पाली हुई बिल्ली है, तो हम घर से 300-400 मीटर दूर आ गए, वो पूरा घूमती है, डेली घूमती है भाई, बोलो कमाल है यार। वैसे कुत्ते को तो घूमता हुआ देखा, बिल्ली बहुत रेयरली मतलब वॉक पे निकलती है, वो घर के आसपास ही रहती है। तो भाई ओवर ईटिंग हो गई है, और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।